आर्टिफिशियल किडनी एक कृत्रिम किडनी है जो कि इंसान द्वारा निर्मित है और इसका इंतजार विश्व के अंदर हर एक किडनी रोगी कर रहा है जिसका किडनी फेलियर हो चुका है, जो डायलिसिस करा रहे हैं या जिसका भी पॉलिस्टिक किडनी डिजीज है और जिनका किडनी बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, उनके लिए एक ये वरदान साबित हो सकती है आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने नहीं आ रही हैं और हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है, खासतौर पर किडनी रोगी। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में सब कुछ जानेंगे, ये कब तक आने वाली है, इसका प्राइस कितना रहने वाला है, इसकी जो स्टेज है अभी ट्रायल की वो कौन सी स्टेज पर चल रही है, साथ में ये जो किडनी है आर्टिफिशियल किडनी किसकी बनी हुई होती है और ये शरीर के अंदर लगाई जाएगी और लगाने के बाद क्या ये ख़राब हो जाएगी, दोबारा से फिर चेंज करनी पड़ेगी, और अगर ये लगा दी जाती है तो क्या एक किडनी रोगी को जो कि इम्यूनो सिरप होती है, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है, वो हमेशा खानी पड़ेंगी, और किडनी पेशेंट को रेड ब्लड सेल्स ये बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये जो सारे सवाल हैं इनके हम आज जवाब जानने वाले हैं। आर्टिफिशियल किडनी का जो निर्माण है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हो रहा है जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, और जो इसके हेड है उनका नाम है डॉक्टर शिबू रॉय जो कि बांग्लादेश के एक नागरिक है और वो अभी इस समय इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सन 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और ये प्रोजेक्ट अभी अपनी किस स्टेज में है हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे और हम सब कुछ जानेंगे इसमें सारे तथ्यों के साथ। बहुत से किडनी रोगी ये जानना चाहते हैं कि क्या आर्टिफिशियल किडनी शरीर के अंदर लगाई जाएगी, अगर लग जाएगी तो क्या ये खराब भी हो सकती है। तो देखिए, इसका जवाब ये रहने वाला है कि आर्टिफिशियल किडनी आपके शरीर में जैसे आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है सेम वैसे ही इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ग्राफ्ट कर दिया जाएगा आपकी बॉडी के अंदर और ये आपके शरीर में हमेशा बनी रहेगी, ये कभी ख़राब नहीं होगी और ये हमेशा काम करेगी। आर्टिफिशियल किडनी किस मटेरियल की बनी होती है और ये कैसे ब्लड को फिल्टर करेगी? तो जो आर्टिफिशियल किडनी है वो सिलिकॉन मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है और इसके अंदर छोटे छोटे सिलिकॉन के नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि खून को साफ करते हैं और शरीर में से भरे हुए पानी को और क्रिएटिनिन यूरिया को और जो भी शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस बनाती है, सेम जो इंसानी किडनी होती है उसकी तरह ही। क्या आर्टिफिशियल किडनी लग जाने के बाद किडनी रोगी को जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती हैं जिनको इम्यूनो सिरप कहा जाता है वो हमेशा खानी पड़ेगी? आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है जो कि मानव अंग नहीं है। शरीर के अंदर जब बाहर का कोई अंग लगाया जाता है तो वो रिजेक्ट करती है हमारी बॉडी, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी का जो मटेरियल है वो बॉडी के साथ मैच कर जाता है और उसको एक किडनी रोगी की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी लगने के बाद किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, खासतौर पर एंटी रिजेक्शन मेडिसिन का इस्तेमाल किडनी रोगी को कभी नहीं करना पड़ेगा। अब आर्टिफिशियल किडनी लगने के बाद क्या एक किडनी रोगी को एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन उसकी बॉडी में ही बनने लगेगा? क्या आर्टिफिशियल किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाने लग जाएगी? तो देखिए, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमारी किडनी द्वारा बनाया जाता है, ये सिर्फ इंसानी किडनी बना सकती है, आर्टिफिशियल किडनी इसका निर्माण नहीं करेगी। और एक किडनी रोगी को जिसको आर्टिफिशियल किडनी लगेगी उसको बाहर से ही इंजेक्शन लगा करके अपने शरीर के रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी बात कि ये कौन सी स्टेज पे चल रही है और ये कब तक अवेलेबल होने वाली है और अवेलेबल होगी तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है। आर्टिफिशियल किडनी के जो एनिमल ट्रायल्स थे वो 2021 में कंप्लीट हो चुके हैं और एनिमल ट्रायल्स के बाद ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जो यूनाइटेड स्टेट की फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है उससे ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मांगी गई है, लेकिन वहाँ की सरकार इसको परमिशन नहीं दे रही है ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए। तो देखिए कब तक इसका ह्यूमन ट्रायल का परमिशन मिलता है, अगर परमिशन मिला तो 2023 तक संभव है परमिशन मिलने की, क्योंकि सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है इसका परमिशन देने के लिए, और जल्दी ही यूनाइटेड स्टेट की फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो है उसको 2023 में ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे देगी। अगर इसको ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल जाती है तो ये कब तक मार्केट में आ जाएगी? तो देखिए, एक साल तक तो ह्यूमन ट्रायल्स ही चलेंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, वो यूनाइटेड स्टेट की फूड एंड ड्रग एसोसिएशन को जमा करनी पड़ेगी, वो उस पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च जब सही पाई जाएगी तो इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। पब्लिश करने के करीब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और ये तब जाकर के 6 से 8 महीने बाद अवेलेबल हो पाएगी।
तो ये सबसे पहले आपको अमेरिका में अवेलेबल होगी, जितनी भी यूरोप कंट्रियां हैं वहां पे अवेलेबल होगी। और इसका जो प्राइस रहेगा वो अभी तय नहीं है, इसके प्राइस पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो कम से कम अमेरिका में इसकी जो प्राइस है वो $30,000 रहेगी, मतलब लाखों में इसकी कीमत जाएगी। अब बड़ी बात यह आ जाती है कि इंडिया में ये गरीब लोग कैसे ले पाएंगे, इंडिया में ये कैसे अवेलेबल हो पाएगी। तो देखिए, इंडिया में ये जब अमेरिका में आ जाएगी तो इंडिया में आने में इसको 2-2.5 साल लगेंगे, और ये इंडिया में जो गवर्नमेंट इसको लेकर के आएगी, क्योंकि कोई गरीब आदमी $30,000 नहीं खर्च कर सकता है। जैसे अभी डायलिसिस फ्री होते हैं, सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे फ्री इलाज होता है, तो वैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी देगी इसमें गरीब पेशेंट को, जो EWS पेशेंट हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के पेशेंट हैं, या जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से कम है, उसके बाद ही आपको ये किडनी अवेलेबल हो पाएगी गवर्नमेंट के सपोर्ट से। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फाइनली कब तक आ जाएगी, तो देखिए इसका फाइनली जो आने का टाइम है वो है सन 2025 में ये अमेरिका में अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ पे लोगों को ये मिलने भी लग जाएगी। तो आशा करूंगा कि आर्टिफिशियल किडनी से जुड़े हुए आपके सभी मिथ दूर हुए होंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।